नरेंद्र जी, देखिए एक उम्मीद बीजेपी की जागी थी। गोपाल भार्गव जी आह्वान तक करने लगे थे कि साहब माया नहीं जम रहा है तो हमारे साथ आइए, हम बढ़िया सरकार देंगे। लेकिन नहीं लग रहा आपको कि जहां सोनिया गांधी जी का वो स्टिक उठी तो सब सरेंडर हो गए, सब एक लाइन में आ गए और सोनिया गांधी ने साबित कर दिया कि कंट्रोल में है एमपी और उन्हीं के कंट्रोल में है और बीजेपी की उम्मीदें भी टूट गई? ना, देखिए दीपेश जी, बीजेपी की उम्मीदों का तो कोई इसमें कनेक्शन नहीं है, दोनों बातों का तो अलग अलग है। लेकिन जिस तरह की आग जल रही थी और उस आग को ढांकने का काम कांग्रेस ने के हाईकमान ने कर दिया, लेकिन वो उससे ढक नहीं सकती, आग तो अंदर लगी हुई है। अभी हमारे विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता साथी सूरज भानु जी ने भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के चेहरों पर कालिख पोत रखी है उस पर बड़ी बुद्धिमत्ता से पर्दा डालने का काम किया है। लेकिन मेरे को जिस विरासत का परिपालन सूरज भानु जी करते हैं वही याद आता है, स्वर्गीय आदरणीय शिव भानु सोलंकी जी याद आते हैं। उनको मध्य प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, उसके लिए ही मध्य प्रदेश की जनता ने उनको वोट दिया था। लेकिन कांग्रेस ने नहीं उनको बनाया, चाहते हुए नहीं बनाया, विधायकों का समर्थन होते हुए नहीं बनाया। हाईकमान ने अपनी जो उसमें जबरदस्ती कह सकते हैं वो उसको थोपा, उसको हम आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं कह सकते। अब वो ये वो लगभग लगभग उसी तरह का कुछ एपिसोड अभी मध्य प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस ने एक युवा चेहरा दिखाया, युवा चेहरा को भी इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से तो ना किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो था चेहरा वो। लेकिन अब उसके बाद में उस चेहरे को ऐसे निकाल के फेंकना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये विवाद होना है। अब उनको पीसीसी चीफ तक नहीं बनना देना चाहते, कहां मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। तो निश्चित रूप से ये जो विवाद है ये हो सकता है फौरी तौर पर हमको दिख रहा है कि शायद कुछ ढक गया है, लेकिन ये जो पर्दा ढकने का काम आगे से पर्दा ढकने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, आग धीरे धीरे उस पर्दे को नष्ट कर देगी और वो फिर से भपकेगी, फिर से वो ज्वाला कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगी। नहीं, लेकिन जो अनुशासन समिति के पास भेजा मामला वो इसीलिए तो भेजा है कि जिन्होंने गलत किया उन पर कार्रवाई की जाएगी। ना बिल्कुल अच्छी, देखिए इस विषय को मैं कह सकता हूँ कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हाँ। वो कैसे सेटल करते हैं, उनका अपना मामला है, कैसे तय करते हैं वो। लेकिन जो कुछ सार्वजनिक जीवन में लोगों ने कर दिया, 50 लाख में थाने बिक रहे हैं, ब्लैक मिलर है, शराब माफिया है, लिफाफों से ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जो कुछ सार्वजनिक जीवन में जो बयानबाजी 5-6 दिन में कर दी है, रायता फैला दिया, बिल्कुल जो रायता फैला दिया है उससे राजनेताओं की छवि जनता के बीच में खराब हुई है। उसके बारे में निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता होने के नाते हमें भी चिंता होती है। हमें कोई प्रसन्नता नहीं है कि पड़ोसी के घर में यदि बर्तन फेंकने की आवाज आई है तो हम खुश हो जाए, बगल के घर में यदि भूकंप आ रहा है तो हम शांत बैठ जाए, ऐसा हमारा कदा भी मंतव्य नहीं था। हाँ देखिए, ये अलबत्ता बात है जो हम प्रारंभ से कह रहे हैं, कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से, अपने अंतर्विरोध से, अपने अंदर की लड़ाई से निश्चित रूप से ये सरकार लंबे समय तक नहीं चला पा रहा है। ये कारण इनका है, हम सरकार बनाना चाहते हैं ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन जिस तरह का सब हम देख रहे हैं, इनके बसपा सपा निर्दलीय वो भी अभी डर गए कि यार क्या होने वाला है। इनके अंदर के विधायक ने एक स्टेटमेंट दिया कि यार मैं कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहा हूँ, यदि ऐसे ही चलते रहा तो मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। तो ये भाजपा कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस के अंदर का जो सब झगड़ा है उसका परिणाम है ये जो कुछ भी हमको देखने को मिल रहा है। पत्रकार टीवी से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।